हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको होटल के जैसा घर पर सांभर बनाने के लिए बता रहे हैं। सामग्री में है कटा हुआ बैंगन, कद्दू, कोहड़ा, गाजर, प्याज, टमाटर, अरहर का दाल है, सांभर मसाला है, हल्दी पाउडर है, लाल कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है, किचन किंग मसाला स्वाद अनुसार नमक है, अदरक गोल की जीरा, ये सरसों है, जीरा है, एक लाल मिर्ची, एक कड़ी पत्ता है, सरसों का तेल गरम हो गया है। अब इसमें सरसों और जीरा डालकर चटकने दे रहे हैं, लाल मिर्ची भी डाल दिए हैं। कड़ी पत्ता डाल के चटकने दिए, जीरा, सरसों, कड़ी पत्ता, लाल मिर्ची चटक गया। अब इसमें कटा हुआ प्याज डालकर फ्राई करना है। प्याज को सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है, ब्राउन अच्छी तरह से प्याज को फ्राई करना है ताकि सांभर टेस्टी लगे खाने में। प्याज को पकने दिए हैं, तब तक अरहर का दाल उबाल लेते हैं। देखिए, प्याज को बीच बीच में चलाते रहिएगा ताकि प्याज जले नहीं। प्याज फ्राई हो गया, अब इसमें सारा कटा हुआ सब्जी डाल के फ्राई करना है। देखिए, कोहड़ा, गाजर, बैंगन, कद्दू, सारा सब्जी को सॉफ्ट होने तक पका लेना है। देखिए, सारा सब्जी डाल दिए हैं। इस तरह से सांभर बनाने से बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है खाने में। इस तरह का सांभर बनाइएगा घर पर तो मार्केट का सांभर खाने के लिए भूल जाइएगा। इडली डोसा के साथ सांभर खाने में बहुत टेस्टी लगता है। देखिए, सारा सब्जी फ्राई हो गया है, अब इसमें कटा हुआ टमाटर डाल रहे हैं, हल्दी पाउडर है, अदरक गोलकी जीरा हरी मिर्च का पेस्ट है, स्वाद अनुसार नमक है, लाल मिर्ची पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। अब सारा मसाला और सब्जी टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेते हैं ढक ढक कर। इस तरह से सब्जी फ्राई करके सांभर बनाने में बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है खाने में। अब इसमें किचन किंग मसाला डाल रहे हैं, सब्जी मसाला है। देखिए, सब्जी मसाला को भी अच्छी तरह से सारा सब्जी में मिक्स कर देना है। देखिए, सब्जी फ्राई हो गया है, देखिए सॉफ्ट हो गया। अब इसमें अरहर का दाल गला के जो रखे थे उबाल के, वो दाल डाल दे रहे हैं और सारा सब्जी दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट तक इसको पकाना है, जब तक उबाल नहीं आ जाता है। अब इसमें सांभर मसाला डालने जा रहे हैं। देखिए, सांभर मसाला डालने से एकदम सांभर का टेस्ट ही बढ़ा देता है और स्वादिष्ट लगता है खाने में। देखिए सांभर में उबाल आ गया है। देखिए कितना अच्छा से सांभर बन गया है, बहुत अच्छा से खुशबू आने लगा है। इस तरह से सांभर बनाने से डोसा और इडली के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह से सांभर बनाइएगा तो होटल का सांभर खाने के लिए भूल जाइएगा। एक बार इस तरह सांभर बना के घर पर ज़रूर देखिएगा। आइए आपको सर्व करके बताते हैं। देखिए कितना अच्छा सांभर बन गया है। एक बार इस तरह घर पर ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू।